हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन से जो हमें एक्सपेक्टेशन था वो तो दिखाया है, एंड यही रीजन है कि आपको ऑल्ट कॉइन्स भी बाकी के जो है सारे ग्रीन में दिख रहे होंगे। तो देखेंगे आज के वीडियो में कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, एंड यही नहीं कल फाइनली मंथली एंड हो गया है, क्लोजर हो गया है, तो वो क्या कहता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस बन रहा है आने वाले टाइम में, तो उसे देखेंगे डिटेल में। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टेक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्कैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट पे क्या हो रहा है, आपने कल मैंने आपको कहा था कि कल जो है हमें रिजेक्शन मिल सकता है 20 EMA से, एंड फाइनली जो है हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले नीचे की तरफ, एंड कुछ उसी जगह पे पोजीशन बनाया लगा। 42.63 तक लोएस्ट रिपोर्ट हुआ था डोमिनेंस, एंड उसके बाद जो क्लोजर बना वो 42.80 के आसपास बना दोस्तों। एंड वहीं RSI की बात करें तो वनडे के चार्ट पे हमारा अगर देखोगे तो आप जो है अल्टीमेटली हम जो है लोअर लो तो नहीं बनाए अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं लोअर हाई जरूर बना रहे हैं। एंड इट शोज की जो जैसा कुछ यहाँ पे मोमेंटम हुआ था, कुछ वैसा ही मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखेगा आने वाले दिनों में, एंड ये चीज कंफर्म होगा आज के मूव के बाद भी। आज हमें एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए, आज हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कम से कम जो डोमिनेंस लेवल है लगभग 42 के बिलो चला जाए, या फिर 41.50 के आसपास जो है वो आपको डिप जाते हुए दिखेगा, क्लोजर हमारा रेड कैंडल होना चाहिए अल्टीमेटली। एंड वहीं अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको डोमिनेंस चार्ट पे दिखेगा कि अभी कंटिन्यूसली जो हमारा शॉर्ट पोजीशन बना है पिछले कुछ आवर्स में वो अब मेंटेन हो रहा है, एंड हम काफी बॉटम वाले जोन में बन गए हैं, यानी 30 के बिलो चल रहे हैं। क्या इस हिसाब से अब हमें अपसाइड जाना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, अब हम डाउन ट्रेंड में जाने वाले हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब हम 10 EMA रीटेस्ट करेंगे एंड फेल होंगे। 10 EMA अभी हमने रिसेंटली रीटेस्ट किया, फेल हुए हैं, वह सिनेरियो हम 20 EMA रीटेस्ट कर सकते हैं। अभी की बात करूं तो अभी 43.16 पे है हमारा 20 EMA, क्या रीटेस्ट होगा मेरा मानना नहीं। सुबह के अर्ली आवर्स में जितना रीटेस्ट करना था वो कर लिया, अप्रॉक्सिमेटली 43 का लेवल। अब जो है हम डाउनवर्ड मूव दिखाएंगे डोमिनेंस चार्ट पे। यही चीज अगर मैं बताऊं 4 आवर के कैंडल्स पे, तो 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि हमारा जो शॉर्ट पोजीशन है वो काफी देर तक पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा था, एंड परसों कुछ ऐसा हो गया था कि वो अपसाइड दिखाने लगा था, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना साइडवेज एक्शन लेते लेते फाइनली जो है डाउनफॉल देखने को मिला, और ये बहुत तेजी से पिछले 24 आवर्स में नीचे गिरा 4 आवर के चार्ट पे, एंड कुछ जो पैटर्न है वो स्लाइड बहुत तेजी से नीचे आता हुआ दिख रहा है, एंड 33 के आसपास 35 के आसपास हम अभी बने हुए हैं। तो क्या बाउंस बैक लग सकता है किसी भी आवर में? अगर किसी भी कैंडल में अगर अपसाइड जाता भी है तो हमें 10 EMA देखना है, 10 EMA रिटेस्ट करेगा और फेल होगा। एंड मेरा मानना है जो ब्रेकआउट हमें चाहिए था वो डोमिनेंस चार्ट पे अब हमें मिल रहा है, एंड डेफिनेटली जो अगला लेवल है वो मैंने आपको बता दिया है। लगभग जो हमें एक्सपेक्टेशन रखना है 41.50 के आसपास जो है आज हमें डाउनवर्ड मूव दिख सकता है अप टू, एंड क्लोजर जो है हमारा अल्टीमेटली रेड कैंडल हो सकता है। क्या इससे नीचे नहीं जा सकता या ऊपर नहीं जा सकता? तो ऐसा नहीं है, मैंने क्लोजर की बात की है, एंड एवरेज जो मोमेंटम दिखेगा आपको डाउनवर्ड ही दिखेगा। और 4 आवर के चार्ट पे शॉर्ट पोजीशन जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही आपको जो है वनडे के चार्ट पे आपको तेजी से जो है डाउन जाते हुए दिखेगा। तो आज का जो है अपसाइड जो मूव आना था मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह के आवर्स में आ चुका है डोमिनेंस चार्ट पे, तो अब हम पूरे दिन जो है डाउनवर्ड मूव दिखाएंगे। तो ये हो गया डोमिनेंस चार्ट, और डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट अगर डाउनवर्ड मूव दिखाएगा तो आपका ऑल्ट कॉइन जो है जैसे पिछले 24 आवर्स में प्रोग्रेसिव मूव दिखाया वैसा ही कुछ आपको आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में भी दिखा सकता है। लेकिन अभी जो है हमें सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस दिखेगा वो 42,000 का जो बिटकॉइन हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा 42,000 का लेवल, उसके बाद हमें ज्यादा तेजी से मूव दिखेगा। तब तक जो है BTC के टर्म में आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, लेकिन जो पुराना आपका पोर्टफोलियो था जो रिसेंटली अभी 2 वीक पहले था उस लेवल में पहुंचने में अभी टाइम है, जब तक हमारा 42,000 का लेवल बिटकॉइन नहीं हो जाता तब तक जो है हमारा साइडवेज एक्शन कह सकते हो धीरे धीरे डोमिनेंस चार्ट पे नीचे की तरफ आता रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट के वीकली क्लोजर पे। वीकली क्लोजर जो हुआ है कल हमें जो मिला है वो मिला अल्टीमेटली लगभग 43.96 के आसपास, एंड डेफिनेटली उसके बाद जो है हमने कल और उसके बाद जो है हमारा कल और अभी का मोमेंटम शुरू हो गया। वहीं अगर मंथली चार्ट की बात करूं तो मंथली चार्ट पे क्लोजर जो कल मिला हमें डेफिनेटली वो हमारा जो है था अप्रॉक्सिमेटली 42.78। एंड मंथली चार्ट पे एक चीज ध्यान से देखो, डोमिनेंस चार्ट पे भी आपका जो गैप है 10 EMA एंड 20 EMA वो बढ़ता जा रहा है, एंड ऐसा मोमेंटम जो है कैंडल वाइज अगर कंपैरिजन करें तो हम इस जगह पे है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो अभी हमारा जो डाउनवर्ड मूव है काफी नीचे पॉसिबल है। जी हाँ, हम कहीं इस जगह पे जो है बने हुए हैं अभी लगभग अराउंड में कह सकते हो आप, यहाँ पे भी कह सकते हो अगर आप यहाँ पे RSI के कंपेरिजन करो, लेकिन मेरा मानना है कि हम इस जगह पे कहीं पे हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ से अभी बहुत बड़ा स्पाइक नीचे की तरफ आने वाला है, एंड ये जो स्पाइक होगा वो डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस जोन के बाद मिलेगा
जो कि अभी जो है लगभग लगभग कह सकते हो 37.86 या टू बी प्रिसाइज बिल्कुल बॉटम की बात करो तो 35.48 के नीचे बना हुआ है दोस्तों। तो क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए यहाँ इस मंथ में, जून मंथ में, जून मंथ में हमारा कैंडल जो है वो और ज्यादा रेड क्लोज होगा, हो सकता है ऑल टाइम न्यू लोएस्ट हम रिपोर्ट करें डोमिनेंस चार्ट पे इस महीने दोस्तों। हमारा अप्रैल का मंथ जो था वो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा दिखा, 16% से भी ऊपर का डाउनफॉल आया था, एंड मई के मंथ में भी हमारा 14.5% के डाउनवर्ड मूव के साथ क्लोजर हुआ कैंडल का। तो जून के मंथ में अगर 10% या 10% से ऊपर का कैंडल क्लोज हो जाता तो डेफिनेटली हम न्यू ऑल टाइम लो बना देंगे डोमिनेंस चार्ट पे, एंड ये ऑल्ट कॉइन के लिए एंड बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों लॉन्ग टर्म में, याद रखेगा, एंड प्राइस मोमेंटम में भी। तो जो भी होगा एक्शन वो मैं डेली का तो अपडेट करता हूँ, और वीकली चार्ट भी अभी सेफ लग रहा है एंड मंथली चार्ट भी सेफ लग रहा है, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऑल सीजन जा रही है दोस्तों। अब मैं लेके चलता हूँ आपको बिटकॉइन के चार्ट पे। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हो रहा है, बिटकॉइन के चार्ट पे अभी आप जो है कल का क्लोजर हमें मिला है लगभग लगभग $37,341 जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लगभग 4.5% से ऊपर का ग्रोथ हमें देखने को मिला डेली चार्ट पे। वहीं अगर मैं बात करूं मंथली क्लोजर की, तो जी हाँ बिटकॉइन जो है वो मंथली क्लोजर पे जो अल्टीमेटली जो दिखाया है रिकवरी के बाद वो दिखाया है लगभग -35% का, या कह सकते हो -35% से भी ज्यादा का डाउनवर्ड मूव। एंड ऐसा अगर मैं जून 2013 से कंपेरिजन करूँ तो वहां पे लगभग -30% का मूव दिखा था, एंड उससे पहले -8% का या कह सकते हो -9% का मूव दिखा था। वहीं अगर मैं अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल में जो था हमारा मोमेंटम -1.71% का दिखा था, एंड मई में हमारा दिखाया 35%। तो ऑन एन एवरेज हमारा ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही कैंडल चल रहा है। जून का मैंने आपको बोला है कल के दो दिन पहले जो स्ट्रीमिंग किया था मैंने लाइव, तो उसमें मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा वीडियो जो हमारा जो कैंडल होगा वो ग्रीन क्लोज होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली 45,000 से 50,000 के बीच में क्लोज होगा। तो अभी जो है हमारा जो लेवल बना हुआ है डेफिनेटली अभी हम रेड दिखा रहे हैं, क्योंकि कल के क्लोजर जहां पे हुआ उससे नीचे चल रहे हैं हम अभी, तो डेफिनेटली हमारा रेड दिखा रहा है मंथली, लेकिन ये मंथली क्लोजर जो आएगा मोस्ट प्रोबेबली हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा जैसे 2012-13 में कुछ फॉलो हुआ था दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ वनडे के चार्ट पे वापस से। वनडे के चार्ट पे क्या हो रहा, वनडे के चार्ट पे मैकडी हमारा ग्रीन हो चुका है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। आरएसआई हमारा अपसाइड मूव दिखाने लगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड सकुस्टिक आरएसआई भी हमें सही मूव दिखा रहा है, एंड डब्ल्यू पैटर्न जो कंफर्मेशन के लिए जो क्लोजर चाहिए था कल का वो भी हमें मिल चुका है। आज के कैंडल से हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए ये बताने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के कैंडल्स पे। 1 आवर के कैंडल्स पे अभी क्या हो रहा है, अभी कल के दिन जो मैंने आपको बोला था कि अगर हम 36,000 से अबव वाला जो लेवल मेंटेन करते हैं कुछ आवर्स तो हमारा लॉन्ग पोजीशन बन जाएगा, वो बन गया। अभी हमने रिसेंटली क्या परफॉर्म किया है, रिसेंटली हम 200 जो ईएमए है उस लाइन को रीटेस्ट ही नहीं किए हैं, उस लाइन को टेस्ट किया और उसके ऊपर गए, एंड नेक्स्ट कैंडल हमने रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए लेकिन फेल हो गया अल्टीमेटली। तो 1 आवर के चार्ट पे हम वापस से जो है डाउनवर्ड मूव दिखा रहे हैं फिलहाल के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आरएसआई आप देखोगे हमारा 70 के आसपास चला गया था, अभी वापस से जो है 50 के आसपास आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली इस आवर के बाद हमें अपसाइड मूव देखने को मिले। वहीं मैकडी की बात करूं तो मैकडी हमारा रेड बना हुआ है, तो मेरा मानना है यहाँ पे अब साइडवेज एक्शन चलेगा कुछ आवर्स के लिए, एंड उसके बाद जो है हमें अपसाइड मूव वापस से रिज्यूम होते हुआ दिख जाएगा 1 आवर के चार्ट पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तो मेरा मानना है दोस्तों कि हमें कुछ ऐसा मूव दिखाना चाहिए कि हमारा जो 20 EM है वो धीरे धीरे अपसाइड आ जाए और 37,300 के ऊपर आ जाए, और इसको ऐसा करने के लिए हमें डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट में ना कि हमें 200 EM के ऊपर जाना है। ऐसा तो हम बार बार अभी रिसेंटली पिछले वीक भी गए थे लेकिन बार बार फेल हो रहे थे, बट हमें फेल नहीं होना, हमें बार बार इसे रीटेस्ट करना है, एंड रीटेस्ट करने के बाद हमें सक्सेसफुली ब्रेकआउट करके अपसाइड मूव दिखाना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज का जो लेवल होगा सबसे इंपॉर्टेंट वो होगा 39,000 का लेवल। 39,000 का लेवल हम क्या टच कर पाते हैं, क्या हम वहाँ पे होल्ड कर पाते हैं, जितने आवर्स के लिए होल्ड करेंगे उतना अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे भी बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे हम बने हुए हैं, पिछले जब से शॉर्ट पोजीशन बनाया तब से बिटकॉइन काफी देर से बियरिश है 4 आवर के चार्ट पे, एंड पिछले वीक हमने कई बार रीटेस्ट किया लेकिन अल्टीमेटली फेल हुए हैं। ऑल्दो हम हायर लोज बनाते गए हैं लेकिन हम हायर हाई नहीं बना पा रहे हैं, फाइनली इससे ऊपर चाहिए हमें कैंडल, यानी कि आज की डेट की बात करूं तो हमें चाहिए 100 EMA आसपास रीटेस्ट करे जो कि 40,000 पे। इसलिए मैंने कहा कि 39,000 का जो लेवल है ना वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले भी किस जगह से बार बार रिजेक्ट हुआ था, तो ये हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि डायरेक्ट ये तोड़ देगा बैरियर को, लेकिन यस आने वाले जो 24 आवर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो अभी का जो 4 आवर कैंडल है जो डेफिनेटली अगले 20 मिनट में 21 मिनट में क्लोज होने वाला है, तो ये कैंडल क्लोज तो हमारा रेडी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें नोट ये करना है कि हमें अब अपसाइड मूव दिखाना है 4 आवर के कैंडल पे, 4 आवर के चार्ट पे भी हमें शॉर्ट नहीं लॉन्ग पोजिशन के टेरिटरी में एंटर करना है, एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 39,000 से लेकर 40,000 का लेवल कंटिन्यूसली रीटेस्ट करें एंड मेंटेन रखें उस जगह पर अपना प्राइस वैल्यू आने वाले आवर्स में। दोस्तों क्या ये आज एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि ऐसा कुछ होगा, तो मेरा मानना है कि आज हम शायद टच कर सकते हैं लेकिन आज के दिन हम 40,000 के ऊपर हम क्लोज नहीं करने वाले हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे हम हायर लोज बना रहे हैं एंड हायर हाई बना रहे हैं RSI पे 4 आवर के चार्ट पे, जो कि
जो कि अच्छी बात, अभी की बात करूं तो अभी RSI जो है लगभग लगभग 53 पहुंच गया था और अभी 50, तो ऑलमोस्ट हमें इस जगह से रिजेक्शन ना मिले, बस हमें ये ध्यान देना, क्योंकि पिछले वीक हम बार बार इस जगह से रिजेक्ट हो रहे थे। हमें चाहिए कि इस लेवल पे फिर से एक स्पाइक आने वाले नेक्स्ट जो 4 आवर के कैंडल हो और उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स के जो 3 कैंडल है नेक्स्ट 24 आवर में जो आने वाले हैं वो अपसाइड मूव दिखाए रादर देन डाउन साइड। और अगर ऐसे होने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली हमें 40,000 का लेवल नेक्स्ट 24 से 48 आवर्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैकडी की बात करूँ तो मैकडी हमारा डेफिनेटली ग्रीन टेरिटरी में है एंड अपसाइड मूव दिखा रहा है, लेकिन डेफिनेटली हमें इसको मेंटेन करना है एंड मेंटेन ही नहीं करना, बहुत देर तक मेंटेन करना है, क्योंकि पिछले वीक जब भी हम इस रेंज में थे तो हमारा मैकडी जो था काफी नीचे था एंड अब जो है उसके कंपैरिजन में मैकडी काफी ऊपर आ गया है। तो हमें इस प्रोग्रेस को मूव, ये जो प्रोग्रेसिव मूव है अपसाइड का, इसे मेंटेन करना है। भले हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ी देर के लिए करेक्शन दिखे, लेकिन अल्टीमेटली हमें अपसाइड मूव दिखाना होगा। और 4 आवर पे जैसे हमारा लॉन्ग का पोजिशन कन्फर्म हो जाता है दोस्तों, हम बहुत ही कन्फर्म वे में कह सकते हैं कि हम अब बुलिश हो रहे हैं फिलहाल। उसके बाद भी चीजें कन्फर्म नहीं हुई होगी वनडे के चार्ट पे, लेकिन स्टिल वी आर ऑन द ट्रैक अगर ऐसा कुछ होता है तो। ये वाला चीज जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हमें पिछले वीक काफी बार रिजेक्शन मिला था और अभी फिलहाल इस आवर में भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें मेंटेन करना है आने वाले जो आवर्स हैं उसमें इस लेवल को। और डेली कैंडल क्लोज की बात करूं तो डेफिनेटली आज का दिन का कैंडल, क्योंकि कल जो मूव दिखाया अच्छा खासा मूव दिखाया, काफी बुलिश पैटर्न बना रहा है बिटकॉइन वनडे के चार्ट पे, लेकिन इसे कंफर्म होने के लिए हमें आज का कैंडल जो है ना कम से कम ग्रीन चाहिए। वो कितना बड़ा होगा और कितना नीचे जा सकता है उससे हमें कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, हमें अगर ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म करना है तो हमें ग्रीन कैंडल चाहिए एंड ग्रीन कैंडल जो है हमारा अपसाइड ही होगा डेफिनेटली, वो चाहे 1% का हो या 2% का हो या 4% का हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क ये पड़ेगा कि आज का कैंडल रेड ना क्लोज हो, बस ये हमें ध्यान देना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो हम जिस लेवल पे हमें क्लोजर हमें मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकता है 38,500 का लेवल, एंड डेफिनेटली जो ये वाला लेवल है वो हमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा देगा। एंड डेफिनेटली इस बीच में हम 39,000 से लेकर 40,000 का लेवल भी रिटेस्ट कर सकते हैं आने वाले आवर्स में। तो मैं काफी ज्यादा बुलिश पैटर्न देख पा रहा हूँ वनडे के चार्ट पे भी, तो आने वाले आवर्स में ऑब्वियसली ये चीजें कन्फर्म होगी जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो कुछ भी अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ इथेरियम के BTC चार्ट की। इथेरियम के BTC चार्ट पे कल क्या हुआ है, कल मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है ना मुझे तो बुलिश दिख रहा है एंड अल्टीमेटली जो है कल का कैंडल है वो लगभग 8.5% से अप गया है एंड क्लोज किया कैंडल। इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको कहा था कि यहाँ RSI जो है 50 लेवल से हमें अपसाइड मूव दिखा सकता है, सकुष्टिक RSI में हमें डाइवर्जन दिख रहा है, मैकडी जो है हमारा ग्रीन टेरिटरी में जाने लगा है ऑलमोस्ट अगर आज का कैंडल हम ग्रीन क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली हम ग्रीन टेरिटरी में एंटर कर लेंगे। लेकिन अभी भी जो है हम अभी जो रिसेंट पीक आया था पिछले वीक उसके कंपैरिजन में लोअर हाई बना रहे, तो आज का कैंडल हमें एक्सपेक्टेशन रखनी है कि हमें ग्रीन कैंडल दिखे। एंड अगर ऐसा होता है और पिछले वीक के कैंडल से अगर हम ऊपर क्लोज कर लेते हैं यानी 0.073 से अबव अगर क्लोज कर लेते हैं, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 0.0735 BTC के बराबर जब इथेरियम लास्ट वीक हुआ था क्लोजर में, उससे अगर हम ऊपर क्लोज कर लेते हैं अपना कैंडल तो डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएंगे और ये कंफर्म के साथ हो जाएंगे। कल का क्लोजर हमें मिला है 0.0726, यानी आज अगर मामूली बढ़त भी आती है हमें इथेरियम के BTC चार्ट पे तो डेफिनेटली हम इस लेवल के ऊपर क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर हम क्लोज करते हैं तो हमारा मैकडी भी ग्रीन हो जाएगा एंड RSI भी अपसाइड मूव दिखाएगा। एंड अगर ऐसा होता है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है 0.075 का लेवल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लंबे टाइम के लिए यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखा था, तो यहाँ पे हमें शायद या फिर इसके नीचे हमें क्लोजर मिल सकता है। और अगर ऐसा करने में हम कामयाब रहते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएंगे इथेरियम के BTC चार्ट पे। एंड रिसेंटली जो पीक आया था 0.082 का, वो जो है हमारा ऑलमोस्ट जल्द ही आने वाला होगा, क्योंकि हम हायर लोज बना रहे हैं एंड हायर हाईज अगर बनाना हम कंफर्म कर दे चार्ट पे तो डेफिनेटली ये बहुत तेजी से स्पाइक लाएगा इथेरियम के प्राइस में। एंड यही नहीं, और ये जो भी प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है ऑल्ट सीजन में वो उसमें भी बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल का कैंडल ऑब्वियसली हमारा रेड हो रखा है एंड मामूली जो कह सकते हो 1% बिलो हम क्लोज कर रहे हैं। एंड अभी डेफिनेटली हमारे पास बहुत लंबे आवर्स है, 20 आवर्स पेंडिंग है डेली क्लोजर में, तो हमें 20 आवर्स में हमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% का अपसाइड मूव चाहिए इथेरियम के BTC चार्ट पे, क्लोजर चाहिए। एंड अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा इथेरियम BTC के चार्ट पे दोस्तों। एंड इसका इंपैक्ट जो कल का मोमेंटम आया है उसका इंपैक्ट डेफिनेटली आपको इथेरियम के USD चार्ट पे भी दिखा। कल मैंने आपको कहा था कि यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है एंड वो मिला। एंड वो मिला कहाँ तक मिला, लगभग जो हमारा 20 EMA 21 EMA जो भी कह लो 20 EMA जो है जिसका हाईएस्ट जो रीच हुआ था $27-$29 उसको टेस्ट करके अभी फिलहाल इस आवर में हम फिलहाल फेल हो रहे हैं। क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, मैंने आपको बोला कि हमारा इथेरियम का BTC चार्ट भी ग्रोथ अपसाइड दिखाना चाहिए एंड यही नहीं बिटकॉइन भी आज कम से कम ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए। अगर ये दोनों चीज होता है तो डेफिनेटली हमारा जो कैंडल यहाँ पे क्लोजर होगा वो 20 EMA लाइन के ऊपर हो सकता है और ये बहुत ही
क्रूशियल लेवल है एंड हो सकता है इसको करने में हमें 2-3 दिन लग जाए, हो सकता है डॉलर के चार्ट पे ऐसा करने में 2-3 दिन लग जाए क्योंकि ये इतना आसानी से ब्रेकआउट तो होगा नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जैसे ही हम इस कैंडल के ऊपर जाएंगे एंड उसके बाद हम अगर रीटेस्ट करने में अगले दिन एंड उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डे हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इथेरियम वापस से जो है ना बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा अपसाइड मूव दिखाने के लिए दोस्तों डॉलर के चार्ट पे भी। सकोष्टिक आरएसआई डेफिनेटली हमारा अपसाइड मूव दिखा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आरएसआई भी जो है हमारा लगभग अभी 46 के आसपास मेंटेन है, तो हमें अपसाइड मूव अगर मेंटेन किया आ जाए अगर हमने डॉलर के चार्ट पे, तो हमारा इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जैसे मैग्डी ग्रीन होगा वैसा ही हमारा यूएसडी चार्ट पे भी हमें ग्रीन देखने को मिल सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिख सकता है, मैंने बोला आपको, तो ये चीज माइंड में रखना है। एंड इसके अलावा कोई भी चेंजेस आएंगे ग्राफ पे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट करूंगा। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मेरा वेबसाइट CryptoInsiderTA.com पे विजिट कर लो, वहाँ पे टॉप में फेसबुक ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है एंड ये सारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। मैं रिकमेंड करता हूँ सब पे आप फॉलो कर लेना, ट्विटर पे जरूर फॉलो करना एंड लॉग इन कर लेना इस वेबसाइट पे ट्विटर से, उसके बाद आप इस पे जितने भी इन्फॉर्मेशन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। कल मैंने एक नया जो टोकन है कर्व टोकन उसके भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किया, प्राइस एग्जैक्ट टारगेट जो हो सकता है वो डाला एंड इसके अलावा भी बहुत सारे कॉइन्स ऑलरेडी एडेड है, तो आप चाहो तो आप अपना जो आप अपना कॉइन यहाँ पे सर्च कर सकते हो एंड टारगेट्स आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। एंड यही नहीं, रिकमेंडेशन सेक्शन में जो विजिट करके आप कौन सा बेस्ट एक्सचेंज है ट्रेडिंग के लिए वो सारा कुछ मैंने मेंशन किया हो, तो जाके जरूर विजिट कीजिएगा। एंड रेफरल लिंक के थ्रू अगर ज्वाइन करोगे बाइनेंस को तो आपको 10% का लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फी पे एंड इसके अलावा इंडियन एक्सचेंजेस भी उस पर रिकमेंडेड सारे दिए गए हैं विद लाइफ टाइम डिस्काउंट जो आपके ट्रेडिंग फी पे आपको मिल सकता है दोस्तों। एंड अगर पोर्टफोलियो स्टेटस में कोई भी अपडेट आए, कोई भी ग्रोथ दिखे तो डेफिनेटली उसे अपडेट कीजिएगा एंड लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बुक मीटिंग का भी ऑप्शन दिखेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो अगर मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करने में तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। याद रखना लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो FAQ के अंदर हेल्प सेक्शन को जरूर डॉट कर लेना दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।